जनपद बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 35 लाख रुपए की कीमत का गांजा पकड़ा गया है। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से उड़ीसा से 35 लाख रुपए का गांजा ला रहे 9 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। बांदा से संवाददाता प्रवंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये एक गैंग ऑपरेट करता है जो उड़ीसा से गांजा लेकर के इधर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से सटे हुए मध्य प्रदेश में सप्लाई करता है। इसमें हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम लगाई गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर, जिसके क्रम में कल जो है थाना कमाशिन की पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है, जिसमें लगभग 3 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 35 लाख रुपये है। 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से लोग बेचते हैं और 9 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक बलोदेव कार, एक ट्रक, एक स्पोर्ट कार बरामद हुई है। सर, इतनी बड़ी रिकवरी के लिए मुख्य कहां से देखा गया कि सबसे पहले पकड़े गए, कहां से जानकारी मिली? ये काफ़ी दिनों से, कुछ दिन पहले भी अभी लगभग 4 क्विंटल गांजा पकड़ा गया था। ये एक बहुत बड़ा चेन है, नेटवर्क है, इसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। अब तक जो है लगभग 2 दर्जन लोगों को पकड़ के जेल भेजा जा चुका है और बहुत जल्दी ही इस नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे। इतना ज़्यादा गांजा ये लोग कहाँ से लाए हैं, कुछ जानकारी? ये उड़ीसा से राजामुंद्री से लाते हैं, वहाँ से ट्रकों में लाद करके ये अलग अलग जगहों पे उतारते हैं।